नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतेश। दोस्तों यहां बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर्स भर्ती के रिजल्ट की डेट को लेकर, और फिर इसके बाद इसी वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में LDC 2018 की भर्ती के बारे में। बिल्कुल नया डिसीजन अभी अभी जस्ट CM अशोक गहलोत ने दिया है उसके बारे में। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में क्या कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी हॉट इशू आज का रहने वाला है। तो यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी रिजल्ट की डेट को लेकर। तो रिजल्ट के बारे में शुरू से ही कहा गया था कि भाई ये रिजल्ट एक हफ्ते में आना है, ठीक है। तो इसी वीडियो में आपको डेट भी बताऊंगा एग्जैक्ट किस दिन रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी दे दूं, और हो सकता है ये जानकारी आपके पास हो, मैं भी क्योंकि इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं कि इसकी रिवाइज आंसर की आ चुकी है, और 3 प्रश्न हिंदी के हैं जिन पर जो है कॉमन नंबर देने की बात कही जा रही है। बाकी इसका फाइनल डिसीजन PNP करेगी, लेकिन एक बात मैंने पहले भी कही थी कि 3 क्वेश्चन केवल हिंदी के हैं, जो सही बात सही साबित हुई है। और यहां इसी बात को लेकर के काफी बड़ा इशू हो गया है, यानी कि कोर्ट जाने की तैयारी है सभी तरीके के स्टूडेंट्स की, सभी वर्ग के स्टूडेंट्स की। शिक्षा मित्र भी जहां एक बार कोर्ट जा रहे हैं, वहीं जो लोग 65-60 वाले कैडर में हैं, वो भी यहां कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रश्नों का विवाद है वो अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ PNP की बात देखें तो वहां कुछ ना कुछ कमी वो रखती आ रही थी, शुरू से ऐसा हो रहा था, तो यहां भी प्रश्नों को लेकर के विवाद फिर हो गया, क्योंकि वैसे तो यह आंसर की संशोधित है, और PNP ने शुरू में कहा था कि संशोधित आंसर की फाइनल आंसर की रहने वाली है और इसी के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। तो ऐसा माने तो आपका 147 में से ही कट ऑफ निकाली जाएगी, और कट ऑफ के बाद रिजल्ट जारी होने वाला है, यानी कि ये रिजल्ट कट ऑफ के साथ जारी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से हैं, किस तरीके से आपको अपने को ये इकट्ठे करने हैं, और किस किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। काउंसलिंग और कट ऑफ के आधार पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात आ रही है रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका 15 मई से पहले, यानी कि हो सकता है कल या परसों या फिर 15 मई तो यहां लास्ट बताया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि 15 मई तक रिजल्ट इसका घोषित कर दिया जाए। इसके कारण मैं आपको बता देता हूं, भर्ती का विवाद काफी लंबा खींचा, स्टूडेंट्स परेशान हो गए दोनों ही वर्ग के, ठीक है। इसके बाद मामला कोर्ट में चलने के कारण जो परेशानी थी बढ़ती चली गई, और अब कोर्ट ने इसमें डिसीजन भी दे दिया है। सरकार भी यहां को रिस्क नहीं लेना चाहती, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाना चाहती है। कोर्ट्स की स्थिति ये कि अभी सुनवाई करने की स्थिति में कोर्ट नहीं है, फिर भी काफी कुछ हो रहा है, इसी उम्मीद में स्टूडेंट्स कोर्ट में जा रहे हैं। तो सरकार इसका पूरा फायदा उठाते हुए अपना पक्ष रखेगी, KVAT के जरिए, जैसे KVAT लगा दी सरकार ने, और अपना पूरा पक्ष रखेगी। इसका मतलब एक तरीके से ये मान लो कि भर्ती का आगे का प्रोसेस प्रभावित नहीं होने वाला है, और यहां 3 महीने से पहले पहले सरकार प्रोसेस पूरा करने की कोशिश करेगी, पोस्टिंग ऑर्डर आपके हाथों में थमा दिए जाएंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो आगे चलती रहेगी, सुनवाई होती रहेगी, क्योंकि ये मामले इसी तरीके के चलते रहते हैं, क्योंकि इसको लेकर के सरगर्मियां काफी तेज है। स्टूडेंट्स भी कई दड़ों में बट करके अपने अपने एडवोकेट्स के थ्रू जा रहे हैं, और पूरी तरीके से केस करने की तैयारी में, यहां नया पिटीशन डालने की तैयारी में वो लोग हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि LDC भर्ती 2018 जो थी, लिपिक ग्रेड सेकंड वाली भर्ती 2018 की जो है, उसमें उन्होंने क्या किया है, दो चीजें कही है। पहली बात तो ये कही है कि इनकी पोस्टिंग ऑर्डर दोबारा से, यानी कि जिला और विभाग दोबारा से आवंटित होंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात इन्होंने ये कही है, थोड़ा चेंज ये किया गया है कि इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है, प्रथम नियुक्ति है, वो मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर होगी। तो मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर फर्स्ट मेरिट, तो उसको उसके हिसाब से पोस्टिंग मिल सकती है, उसके हिसाब से जगह मिल सकती है, ये यहाँ ऐसा हो सकता है, या फिर भी कोई और चेंज होगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ इसी तरीके से चीज सामने आने वाली है। तो इसको लेकर के भी एक ट्विटर पर वार शुरू हो गया है, और वहां काफी सारे जो लोग ऐसे हैं जो अदर भर्तियों जुड़े हुए थे, तो वो भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी एकदम से, उनके लिए भी फायदा सरकार दे और उनकी भर्ती भी क्लियर करे। जैसे कि RS मेंस 2018 वाला मामला अटका हुआ था, और इसके अलावा लाइब्रेरियन वाला मामला अटका हुआ है, इसके अलावा शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा जो टेट के थ्रू भर्ती हुई थी 3700 के आसपास जो पद खाली रह गए, तो उसमें भी Level 2 वाला मामला, काफी सारे मामले इस तरीके से अटके हुए हैं। तो यहां दो चीजें रही गहलोत सरकार की, और साथ साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।